हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीहू, आयु, परी, माहिमी, सानंद, जिनवानी और आकृति के बारे में। आप सभी को बताएंगे इनके एज, स्टडी, बॉलीवुड मूवीज़ पसंद है इनको, हॉलीवुड मूवीज़ और भी बहुत कुछ। पीहू की एज हो चुकी है अभी 16 साल। चलिए बात करते हैं आयु की एज के बारे में। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ आयु की जो एज है वह कितनी हो चुकी है। इनकी जो एज है वह हो चुकी है अभी 9 साल। चलिए बात करते हैं परी की एज के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा परी की एज कितनी हो चुकी है अभी। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ परी की जो एज है वह हो चुकी है अभी, इनकी जो एज है वह हो चुकी है 13 साल। चलिए बात करते हैं माहिमी सानंद के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा माहिमी सानंद की एज के बारे में कि इनकी एज कितनी हो चुकी है अभी। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ माहिमी सानंद की जो एज है वह हो चुकी है अभी, इनकी जो एज है वह हो चुकी है अभी 14 साल। चलिए बात करते हैं जिनवानी के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा जिनवानी की एज के बारे में कि इनकी एज कितनी हो चुकी है अभी। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ जिनवानी की जो एज है वह हो चुकी है अभी 13 साल। चलिए बात करते हैं आकृति के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा इनकी एज के बारे में कि इनकी एज कितनी हो चुकी है अभी। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ आकृति की जो एज है वह हो चुकी है अभी 14 साल। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं इनकी स्टडी के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा इन सभी की स्टडी पढ़ाई में सभी कैसे हैं वो मैं आप सभी को बताऊँगा। पहले बात करते हैं पीहू के बारे में। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूँ पीहू, आयु, परी, माहिमी सानंद, जिनवानी और आकृति, मैं आप सभी को बता दूँ ये सभी ही पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी के ही काफ़ी अच्छे मार्क्स आते रहे हैं एग्ज़ाम में। यूट्यूब पर तो इन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं और ये पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे रहे हैं सभी ही। चलिए बात करते हैं पीहू के बारे में। पीहू को हॉलीवुड मूवीज़ पसंद है, बॉलीवुड, आयु, परी, माहिमी सानंद, जिनवानी और आकृति के बारे में। आप सभी को बता दूं इन सभी को ही बॉलीवुड मूवीज़ देखना ही पसंद है। जी हाँ दोस्तों, सभी को ही बॉलीवुड मूवीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मूवीज़ में। जी हाँ दोस्तों, तो गाइस चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अब हम सभी। तो गाइस अब हम बात करेंगे इन सभी के यूट्यूब चैनल के बारे में। इनको डांसिंग पसंद है या एक्टिंग पसंद है, इसके अलावा ट्रेवलिंग या शॉपिंग। पहले बात करते हैं यूट्यूब चैनल के बारे में। आप सभी को बता दूं पीहू के यूट्यूब चैनल के बारे में। पीहू आयु साथ में काम करते हैं तो इनका एक ही यूट्यूब चैनल है जहाँ पर साथ में मिलकर वीडियोस बनाते हैं। आयु एंड पीहू शो के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है जहाँ पर इनके बेहतरीन वीडियोस आप सभी को देखने को मिलेंगे। चलिए बात करते हैं परी के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा परी के यूट्यूब चैनल के बारे में। आप सभी को बता दूँ परी का जो यूट्यूब चैनल है वह किस नाम से है। इनका यूट्यूब चैनल का नाम है परी लाइफ स्टाइल जहाँ पर इनके वीडियोज़ आते हैं। चलिए बात करते हैं माहिमी सानंद के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा माहिमी सानंद के यूट्यूब चैनल के बारे में। आप सभी को बता दूँ इनके जो यूट्यूब चैनल का नाम है वह क्या है। आप सभी को बता दूँ माहिमी सानंद का यूट्यूब चैनल का नाम माहिमी सानंद है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर इनके काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वीडियोज़ आते हैं जिन्हें लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं आज। चलिए बात करते हैं जिनवानी के बारे में। आप सभी को बताना चाहूँगा जिनवानी के यूट्यूब चैनल के बारे में। आप सभी को बता दूँ क्यूट सिस्टर्स के नाम से जिनवानी के यूट्यूब चैनल का नाम है। चलिए बात करते हैं आकृति के बारे में। तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इनके यूट्यूब चैनल के बारे में। आप सभी को बता दूँ इनके जो यूट्यूब चैनल का नाम है वह क्या है। आप सभी को बता दूँ इनके जो यूट्यूब चैनल का नाम है वह है आकृति शर्मा, जहाँ पर इनके काफ़ी ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ आते हैं। चलिए बात करते हैं किसको डांसिंग पसंद है और किसे एक्टिंग करना पसंद है। पहले बात करते हैं पीहू के बारे में। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं पीहू आयु दोनों को ही क्या एक्टिंग और डांसिंग में क्या पसंद है, दोनों को ही एक्टिंग पसंद है। जी हाँ दोस्तों, वही परी को भी एक्टिंग करना ही पसंद है, वही माहिमी सानंद को भी एक्टिंग करना ही पसंद है। जी हाँ दोस्तों, जिनवानी को भी एक्टिंग करना ही सबसे अच्छा लगता है। बात करते हैं आकृति के बारे में। तो गाइस मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आकृति को डांस करना काफ़ी अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, आकृति को डांस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। बात करते हैं ट्रेवलिंग और शॉपिंग के बारे में। तो गाइस मैं आप सभी को बता दूं इन सभी के बारे में, आप सभी को बता रहा हूं इन सभी को ही ट्रेवलिंग और शॉपिंग में ट्रेवलिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने देखा ही होगा सभी काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पर घूमने जाते रहते हैं अपनी फैमिली के साथ में। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस में आप सभी के लिए मैं चलाता रहूँगा, बस आप मुझे सपोर्ट करते रहना। जल्दी मिलते हैं मैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच ऑल सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स वॉचिंग वीडियो।